कारण यहाँ पर आए मजलिस की मोहब्बत में मेरे साथी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रोग्राम उमर फारूक साहब ने रखा है, क्योंकि मजलिस बिहार के अंदर एक ऐसी कामयाबी हासिल करी है मजलिस ने जो तमाम लोगों को हजम नहीं हो पा रहे। अख्तरुल ईमान साहब ने बिहार में एक मुहिम छेड़ा था और तमाम मजलूम मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को ये बताया कि मजलिस आपकी कामयाबी के लिए लड़ रही है, आपके लिए लड़ रही है, क्योंकि सीमांचल एक ऐसा, इस हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा वर्ग अगर कहीं रहता है तो वो सीमांचल में है। सबसे ज़्यादा बदहाली, खस्ता हाली थी तो वो सीमांचल में थी। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस चीज़ को देखा और समझा और वहाँ से एक शुरुआत करी। और सबसे पहले तो मैं सलाम करना चाहता हूँ अख्तरुल ईमान साहब को, जिन्होंने इस मुहिम में एक हिस्सा लिया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये वादा किया कि 2014 का इलेक्शन के बाद अब ये 2020 के इलेक्शन में उन्होंने जो कामयाबी हासिल करी और हमारे 5 रुकन असेंबली कामयाब होकर बिहार के अंदर आए, उन्होंने मुसलमानों को तो बेदार किया और तमाम उन लोगों को बताया कि जो हमें बीजेपी का टीम कह रही थी, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उंगलियां उठा रही थी कि हम लोग वोट कटुआ हैं और हम वोट काटने गए हैं, तो ये तमाम बिहार की आवाम ने और सीमांचल की आवाम ने यह बताया कि मजलिस वोट काटने नहीं आई, मजलिस मजलूम की आवाज़ उठाने आई है, उनकी तरक्की के लिए आई है, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आई है। मैं बिहार की आवाम को भी सलाम करना चाहता हूँ और सीमांचल की मोहब्बतों को सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने मजलिस को इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी। और जो कांग्रेस ये कह रही थी कि हम लोग बीजेपी को जिताने गए हैं, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी लेकिन 51 सीटें NDA जीत जाती है और हम लोग 20 सीटों पर लड़ते हैं और 5 सीटें हासिल करते हैं और 6 सीटें सिर्फ NDA के हिस्से में जाती है, तो हम लोगों ने यह साबित किया कि हम सेक्युलर जमात हैं, हम लोग किसी के बी टीम ए टीम नहीं हैं। और आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, उमर फारूक साहब ने फिर से एक मुहिम को जो 2014 में हम लोग लेकर चले थे, इंशाअल्लाह मजलिस पूरे हिंदुस्तान में कामयाबी हासिल कर रही है, तो हम लोगों ने भी ये ठाना है कि जिस दिल्ली से हम 2014 से एक झंडा लेकर चले थे और हमने 2017 के इलेक्शन में दिल्ली के अंदर वल्दिया का इलेक्शन भी लड़ा लेकिन हमने कोई कामयाबी हासिल नहीं करी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारा मंसूबा है कि हम एक होकर और मिलकर तमाम टीम दिल्ली में एक मजबूत बूथ बनाएगी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उम्मीदों पर खरा उतरेगी। जिस तरीके से बिहार ने 5 रुकने वल्दिया दिए हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि उमर फारूक साहब और हम सब मिलकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहां से 15 से 20 रुकने वल्दिया दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और आप लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और तमाम आप लोग चाहेंगे तो एक मजबूत संगठन बनेगा, क्योंकि संगठन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। जब तक हम लोग एक संगठन नहीं बनाएंगे, हम लोग जाकर मजलिस का पैगाम घर घर नहीं बताएंगे, तो मेरे भाई दिल्ली के अंदर हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। तो उमर फारूक साहब ने फिर से अपने आप को मजबूत किया है और ये ठाना है और इन्होंने मेरे से बताया है कि इंशाअल्लाह आने वाले 2022 के इलेक्शन में बहुत मजबूती के साथ हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और आप लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से बस यहाँ पर, क्योंकि ये कोई इंतखाबी जलसा नहीं है, मैं कोई तकरीर करने नहीं आया, आप लोगों से मुखातिब हुआ, आप लोग यहाँ पर आए, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ करिए कि हैदराबाद में भी इलेक्शन चल रहा है, अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा सीटों से मजलिस को नवाजे और मजलिस को कामयाब करे।